आप सभी मित्रों को मेरा शादा नमस्कार। मैं हूँ राजेंद्र नेगी और मैं अपने YouTube चैनल देवभूमि दर्शन के माध्यम से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम जा रहे हैं अपने इस ब्लॉग के साथ, जो ये नया ब्लॉग बनना है हमारा, भगवान गणेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि हमारे गांव से 500 मीटर दूरी पर स्थित यह मंदिर, जिसका रहस्य माता पार्वती और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की। और ये मंदिर के महाराज जी श्री प्रभु दयाल शरण जी, जब मैं मंदिर में गया तो महाराज जी ने मेरे को अवगत कराया कि यहाँ पे 2-4 आदमी को भेज करके यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं इनको कटवानी थी, क्योंकि अगले महीने से सावन का जब महीना लगेगा यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे, श्रद्धालु भक्त लोग आएंगे, तो फिर यहाँ पे साफ सफाई के लिए। और ये महाराज नंदी महाराज जी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के अंगरक्षक, और अब मैं आपको लाइव दर्शन करवाता हूँ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती के, साक्षात दर्शन करवाता हूँ। जय भोलेनाथ। और ये बैतरणी कुंड, यहीं से ही भगवान को जलाभिषेक के लिए सावन के महीने भक्त लोग यहाँ से पानी ले जा करके मंदिर में अभिषेक के लिए, जलाभिषेक के लिए यहाँ से पानी ले जाते हैं। और इस धारे का मैं रहस्य बताता हूँ कि जो रुद्रनाथ मंदिर के नीचे जो बैतरणी है, वहाँ से पहले हमारे पूर्वज कहते हैं कि वहाँ से पहले इस पानी में पुष्प बहकर आते थे, और तभी से वहाँ का नाम भी बैतरणी और इस धारे का नाम भी बैतरणी पड़ा। शुद्ध पानी है यहाँ पे, 12 महीना एक ही उसमें पानी रहता है, ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, जबकि बरसात में पानी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पानी उतने का उतना है जितना पहले था, और उतना ही अभी भी रहेगा। एक बार आप सभी श्रद्धालु अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार सावन के महीने वैसे इस मंदिर में आए और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाए। और ये मंदिर का प्रांगण और एक जलाभिषेक, एक धारा यहाँ भी है, यहाँ पर भी सभी मंदिर को पानी जलाभिषेक के लिए ले जाया जाता है श्रद्धालुओं द्वारा, भक्तों द्वारा। और इस पानी से ही भगवान को जलाभिषेक कराया जाता है। और ये मंदिर का प्रांगण और यहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर नए रूप में बन रहा है जिसको बनने में 1 साल लग जाएगा, उसके बाद भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मंदिर के दर्शन भी आपको इसी वीडियो के, इसी चैनल के माध्यम से अवश्य करवाऊंगा। भगवान गणेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन, जिसमें आप अभी सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचेगी। अरे भगवान का प्रवेश द्वार, महाराज जी अभी अपने प्रवेश द्वार से बाहर आए, मंदिर की देख रेख के लिए महाराज जी का काफ़ी सहयोग रहता है, काफ़ी योगदान रहता है, विगत 40 सालों से महाराज जी आते हैं और काफ़ी अच्छे से मंदिर को देख रहे हैं, जो मंदिर और ये मंदिर प्रांगण में पुष्प, ये पुष्प अलग ही मिलेंगे आपको, जैसे ये पुष्प आपको रुद्रनाथ मंदिर में देखने को मिलते हैं, गुग्यालों में देखने को मिलते हैं, ये पुष्प यहाँ भी रहते हैं, काफ़ी अच्छी दिख रहे हैं ये भी यहाँ पे।
अरे महाराज जी, मेरे को कुछ वार्ता के लिए बुला रहे हैं। और महाराज जी ने मंदिर की कुछ देख रेख, मंदिर में कुछ समस्या है उसके बारे में अवगत कराए हैं। और मैंने महाराज जी को आश्वासन और भगवान गणेश और महादेव के आशीर्वाद से मैंने कहा है कि यहाँ पे कुछ नेपाली को मंगवा कर यहाँ पे कुछ जालियाँ वगैरह कर डाली। मंदिर में काफ़ी भीड़ हो जाती है, जैसे लकड़ी काफ़ी व्यवस्थाएं हैं वो करनी होती है, तो कोई दूर से आता है, दूर दराज गाँव से आता है बेलपत्री करने के लिए, तो सब कुछ गाँव वालों को ही देखना पड़ता है मंदिर में। तो मैं सावन के महीने जब यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग आते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अवश्य आपको दिखाऊंगा इसी अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस समय काफ़ी भीड़ लगी रहती है मंदिर में। और पिछले बार जबकि कोविड भी था, लेकिन मंदिर में पूरा तरह से हम लोगों ने वहाँ पे मंदिर को सोशल डिस्टेंसिंग और सभी भक्तों को दर्शन करवाए। और आप सभी को मेरा शादाब नमस्कार फिर से एक बार, और देवभूमि चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक धन्यवाद। और जितने लोग भी आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हम
निवेदन करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य मिल जाएगा। और ऐसी वीडियो हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि के माध्यम से आपको एक बार फिर से ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार।